किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर कृष्ण चंद्रा, निदेशक राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो हम लोगों ने पहले आलू के लिया था, आलू को हम लोगों ने लेके सीड्स को माइक्रोन्यूट्रिएंट उसके ऊपर ट्रीट किया था। हमने एक भाग माइक्रोन्यूट्रिएंट लिया था, एक भाग हमने पानी लिया था। दोनों को मिलाने के बाद हमने आलू के ऊपर छिड़काव कर दिया, तो उसको जो हम लोग बोलते हैं कि बीज उपचार या सीड ट्रीटमेंट जिसको हम बोलते हैं, वो हमने किया था। वो करने के उसके दो घंटे छोड़ दिया, दो घंटे छोड़ने के बाद उसको हमने थोड़ा सा सूख गया, तब उसको हमने अपना खेत में बुआई कर दिया। तो बुआई करने के बाद आज देखिए, आपको दिखाने जाता हूँ कि जो हमने उपचार किया उसके बाद लगातार हम लोग पानी के साथ 1000 लीटर पर एकड़ के साथ में, और उसके साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट 10% माइक्रोन्यूट्रिएंट, साथ में हम 5% आपका जो पत्थरों से निकाला गया तत्व है, और उसके साथ 5% जो हमारे पत्तियों का अर्क है, सबको मिला के हम लोग कंटिन्यूस में सिंचाई में इसको यूज़ कर रहे हैं और स्प्रे इसमें नहीं कर रहे हैं। तो आप देखिए आलू की जो फसल आई है ये आपके सामने आता है, आलू की फसल आई है। मेजर चीज़ में है किसी में भी कि कोई कीड़े नहीं आए हैं, सारे के प्लांट आपके ग्रीन हैं, बिल्कुल हेल्थी हैं, और कोई भी बीमारी इसके ऊपर स्प्रे नहीं किया हमने। खाली पानी के साथ ही इसमें हमने हर चीज़ डाली गई है, और इसमें पत्तों में और सब में चमक अलग है। पत्ते देखिए, इसकी डंठल जो आ रही मोटी है, तो ये सब आपके पूरे आलू की जो हमने लगाया है, बीज उपचार किया है ताकि बीमारी ना आए। तो बीमारी तो नहीं आ रही, और साथ में ज़मीन इसके आसपास की जो यूज़ हो रही है उससे जो आलू की सेटिंग होगी वो बहुत अच्छी आएगी। और तो ये मैं आपको इससे दिखाया जाता था कि मतलब जब हम वेस्ट डिकम्पोजर के साथ लगातार इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट और लीव्स का एक्सट्रैक्ट डालते हैं तो इसमें किसी भी चीज़ की बीमारी नहीं आती है, कोई बीमारी नहीं आती है, और ना ही आपको पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड, नेलान्यूरोथेन, ना ही यूरिया डीएपी। अगर किसान भाई जो मैंने पहले बताया, अगर कोई यूरिया डीएपी डालता है तो 50% उसको यूरिया डीएपी वो भी डालने, जो जैविक खेती नहीं करते, जो जैविक खेती करते हैं उनको डालने की ज़रूरत नहीं है। वो खाली इसी से ही हमारा जो है न्यूट्रिशन की पूर्ति हो जाती है। अब चूँकि ठंडी का मौसम है तो उसके बीच में आप जो हमारी स्ट्रा है पैडी और जो हमारे इसकी गेहूं की स्ट्रा है उसको इसमें बीच में डाल दें ताकि उससे गर्मी बनी रहेगी और जो है मॉइस्चर भी मेंटेन रहेगा, और जब डिकम्पोज होगा तो उससे आपका कार्बन भी मिलेगा। तो ये आप अपने खेतों में इसको करें, और आलू में जितना भी आप यूज़ कर रहे हैं बेहिचक वेस्ट डिकम्पोजर यूज़ करते हैं, जितना डालेंगे उतना फ़ायदा होगा और उतने बड़े आलू निकलेंगे। बहुत किसान भाइयों ने अपने वीडियो शेयर भी किए हैं, उन्होंने डाले भी हैं, तो आप भी खुद एक्सपीरियंस करें कि इससे कितना फ़ायदा होता है। क्योंकि आलू से तो हम लोग लगाते हैं ज़मीन ख़राब होती है, लेकिन जब वेस्ट डिकम्पोजर डालेंगे ज़मीन भूरी होगी, आप हाथ से ही आलू खोद सकते हैं। तो आपको ज़रूरत नहीं पड़े कि उसको जो है फावड़ा चलाएं या कुछ करें, आपको ऐसे ही बिना बीमारी मुक्त आलू मिलेगा, हाई न्यूट्रिशन आलू मिलेगा। और उस आलू को जो निकल रहा है अगर आप उसको छिलके सहित खाएं तो और फ़ायदा मिलेगा। जब आप केमिकल यूज़ नहीं कर रहे, अगर ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो छिलके सहित खाना अच्छा है और फ़ायदेमंद है।